हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है अलग अलग तरह की चटनी के लिए। तो यहाँ पर मैं धनिया और पुदीने की वो चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आमतौर पर चाट वाले बनाते हैं, चाट में डालने के लिए, टिक्की, समोसा और दही भल्ले, इस तरह की जो चाट पर चटनी यूज होती है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बट यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, पर मैं आपसे ओरिजिनल रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम धनिया लिया है, मैंने इसे धोकर साफ कर लिया है, और ये साफ करने के बाद 100 ग्राम है। और यहाँ पर 30 से 40 ग्राम पुदीना है। जितना आप पुदीना लेंगे उससे 3 गुना धनिया की अमाउंट यूज करनी है, क्योंकि अगर पुदीना ज्यादा रह जाएगा तो चटनी जो है वो कड़वी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने साफ करके 30 ग्राम पत्तियां ली हैं पुदीने की, और 4 से 5 यहाँ पर हरी मिर्च है, क्योंकि वो चटनी थोड़ी करारी होती है यहाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो कम यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1 टीस्पून के करीब काला नमक डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला है, क्योंकि गरम मसाला ज्यादा ऐड करने से कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम कम यूज करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला है जस्ट फ्लेवर के लिए। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच लेमन जूस लिया है। मैंने 2 छोटे नींबू का रस निकाल लिया है, क्योंकि ये चटनी काफी खट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर लेमन जूस यूज कर रही हूँ। बट जो चाट वाले होते हैं वो सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो काफी सस्ता पड़ता है, तो बट मैं यहाँ पर लेमन जूस यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक यूज किया है। मार्केट में जो है वो लहसुन और अदरक नहीं डाला जाता, इसमें अदरक डालते हैं वो लोग सिर्फ, बट लहसुन ऐड करने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं लहसुन भी ले रही हूँ। तो मैंने 6 कलियां लहसुन की ऐड करूंगी इसमें, और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है तो वो ऐड करूंगी। तो अब हम चटनी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जार यूज कर रही हूँ चटनी के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले पुदीना डाल देंगे। पुदीने की अमाउंट 20 से 30 ग्राम तक ही रखेंगे, अदरवाइज जो चटनी है वो कड़वी हो सकती है। इसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे। लहसुन जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। मैं लहसुन डाल रही हूँ। धनिया डाल देंगे, जो कि हमने मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। आप इस चटनी को स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में, नहीं तो आप इसको आइस ट्रे में डालकर उसके क्यूब्स बनाकर रख सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं इस चटनी को। हरी मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, और साथ ही हम यहाँ पर लेमन जूस डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें 2 बड़े चम्मच पानी भी डाल देंगे ताकि इजिली पिस जाए, और इसको अब हम पीस लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ चटनी पिसकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम चटनी को सर्व कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये देखिए, यही कंसिस्टेंसी होती है चाट वालों की, जो चटनी की होती है। ये देखिए, तो हमारी चटनी रेडी है। हम इसी से गोलगप्पों का पानी भी रेडी कर सकते हैं। तो इफ यू लाइक माय रेसिपी, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू ट्राई दिस चटनी एट होम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय द रेसिपी, बाय।